नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जसमीत आलूवालिया, बेरियाट्रिक लैप्रोस्कोपिक एंड लेज़र सर्जन। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक पाइल्स, फिशर और फिस्टुला में क्या अंतर है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं कि पाइल्स, फिशर और फिस्टुला उन्हें एक जैसा लगता है और वो ये नहीं जान पाते कि जो उनको सिम्टम्स हैं वो इनमें से कौन सी बीमारी की वजह से हैं। तो हम ट्राई करेंगे हम आपको सिंपल लैंग्वेज में बता पाएँ। फिशर एक सिंपल चीरा है, यानी कि कट है जो मोशन के रास्ते में हो गया है किसी कारण, यानी कि सपोज़ आपने कोई हार्ड स्टूल पास किया, उसकी वजह से एक हल्का कट लग गया है। इस कंडीशन में बहुत तेज़ पेन होता है, जैसे आपको शरीर में किसी और जगह पर कोई चीरा लग जाए तो उससे एक शार्प पेन होता है। वैसा ही फिशर के केस में एक शार्प पेन होगा लैटिन के रास्ते में जब आप स्टूल पास करेंगे। अगर ये बहुत देर तक होता रहे, आप इसका ट्रीटमेंट टाइमली ना लें, तो देन उस रीजन में एक छोटा सा मस्सा भी बन जाएगा जिसे हम स्किन टैग के नाम से जानते हैं। सो अगर आपको मोशन पास करते हुए पेन हो रहा है और कुछ दिनों के बाद वहाँ पर एक छोटा सा मस्सा फील हो रहा है, तो ज़्यादातर ये चांसेस हैं कि आपको फिशर होगा। फिशर में ब्लीडिंग कम होती है, पेन ज़्यादा रहती है। ब्लीडिंग तभी होगी जब ये ज़ख़म थोड़ा डीप हो जाएगा और उसमें से थोड़ा सा ब्लड बाहर आएगा। इसके दूसरी बीमारी है पाइल्स, जिसे हम हेमरॉइड्स के नाम से बोलते हैं। पाइल्स का मतलब है कि लैस्ट्रिन के रास्ते में जो खून की नसें हैं वो मोटी हो गई हैं और मोशन करते हुए आपको ब्लीडिंग होती है। इस केस में ब्लीडिंग नॉर्मली पेनलेस होती है, दर्द कम रहेगा, लेकिन ब्लड ज़्यादा आएगा क्योंकि ये फूली हुई खून की नसें हैं। सो इसमें पेन उतना नहीं होगा जैसे फिशर में होता है, लेकिन ब्लीडिंग ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू फिशर। सो अगर पेनलेस या वेरी लिटिल पेन के साथ आपको ब्लड आ रहा है मोशन करते हुए, तो हम समझ सकते हैं कि ये हो सकता है कि आपको पाइल्स की प्रॉब्लम है। इन दोनों ही कंडीशंस में, यानी फिशर और पाइल्स में, जो ब्लड है वो बिल्कुल ताज़ा होगा, लाल खून होगा। अगर आपको ब्लैक या मरून खून आ रहा है, दैट मीन्स कि वो आंत के किसी अंदर के हिस्से से आ रहा है और उसके लिए फर्दर जाँच करनी पड़ेगी। वो मोस्टली पाइल्स या फिशर नहीं है। इसके अलावा तीसरी बीमारी है फिस्टुला, जिसे लोग भगंदर के नाम से जानते हैं। ये इन दोनों चीज़ों से हटकर है। इसमें किसी इन्फेक्शन की वजह से एक रास्ता बन जाता है जिसका एक एंड स्किन पे रहता है, जहां बाहर आपको नज़र आएगा कि लैटिन के रास्ते के साइड में कहीं पर एक फोड़ा हो गया है जो बार बार फूटता है, उसमें से गंदा पानी, खून या पस निकलता है। उसके बाद कुछ दिनों में वो ठीक हो जाता है और फिर ये साइकिल रिपीट होता रहता है, यानी कि ये ठीक हो जाएगा, फिर कुछ दिनों बाद भरेगा, फिर उसमें से कुछ निकलेगा, उसके बाद फिर ठीक हो जाएगा। इसका कारण है कि इसका जो दूसरा एंड है, यानी इस रास्ते का जो दूसरा कनेक्शन है, वो लैटिन के रास्ते के अंदर कहीं जुड़ा